हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल भगत सिंह। दोस्तों, जो अभी मेरे चैनल को मुझे बनाए हुए 10 महीने हो गए, लगभग 10 महीने के अराउंड के आसपास ही हो गए। और ज़्यादातर हम सभी टेक्निकल चीज़ें जैसे अपलोड करते हैं। आज मेरे पास है कनेक्ट का ये ब्लूटूथ है, नेकमैन है, और ऐसे इस तरह के हम बहुत सारे एसेसरीज जैसे बनाते हैं, जैसे कि मोबाइल तो मोबाइल के ही वीडियो आते हैं, या फिर एसेसरीज के वीडियो आते हैं, या फिर कार, या फिर कोई किसी नई बाइक ली, या इस टाइप का अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू कुछ मैं देता रहता हूँ। तो 10 महीने हो गए, 10 से 11 महीने हो गए, और हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कुछ अभी तक खास रिजल्ट आया नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम ज़्यादातर फंक्शन देखने के लिए जाए तो सभी फंक्शन ओपन हो गए। यूट्यूब के ज़्यादातर लाइव जाना, ये वो आई बटन है, बैक बटन है, वो सभी इस टाइप के ज़्यादातर 90% सभी ओपन हो गए। अभी 10% क्या थोड़ी प्रॉब्लम रह गई कि भाई वॉच टाइम नहीं हो रहा है, वो थोड़ी एक सी प्रॉब्लम हो रही। तो वीडियो यार पूरा देखो, ज़्यादातर क्या करते खोल के देखते हैं, और नॉर्मल क्या है किसका वीडियो तो खोल के वह बस थोड़ा सा देखे कि 10 सेकंड या 15-20 सेकंड का देखे और फिर उसको छोड़ देते वहीं पे। तो उसको छोड़ो मत, या तो फिर वीडियो पूरा देखो। थोड़ा तो वॉच टाइम का एक इशू मेरे चैनल में भी आ रहा है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से अभी 1 साल के अंदर अंदर वॉच टाइम 4000 कलाक हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, आधा ही देख रहे हैं। तो वो थोड़ा एक मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ ताकि वॉच टाइम मुझे पूरा मिले, उसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ज़्यादातर अभी तो सब्सक्राइबर तो मैंने 1K क्रॉस कर ही दिए, तो वो उसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो इशू नहीं है। और एक गाइडलाइंस तो मेरे पार कर ही लिए जैसे तैसे करके, तो वो मेहनत भी की, ऐसा नहीं है, वो ज़्यादातर सभी में और मेरे फ्रेंड्स ग्रुप है जो हम सभी मिल के ये वीडियो बनाते हैं। भाई एक जन लाइट पकड़ता है, दूसरा मोबाइल, पहले हम ऐसे ही बनाते, अभी धीरे धीरे हम सब चीज़ लाई है, जैसा कि अभी थोड़ा बहुत ट्राईपॉड है, रिंग लाइट है, या फिर दूसरे ब्लॉगिंग के लिए दूसरे में हमें एसेसरी लिए, तो वो भी हमने उसका भी रिव्यू दिया है आपको, उसका भी वीडियो बना है। तो वो एक बात है कि थोड़ा सा अभी वीडियो आप देखो तो पूरा देखो, ऐसा नहीं 10 सेकंड चलाया, 15 सेकंड चलाया, फिर वीडियो को छोड़ देना कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। अरे मज़ा ठीक है तो उसको देखो, या फिर थोड़ा फॉरवर्ड करो, या फिर शेयर कर दो, आपने देखो शेयर कर दो आगे वीडियो, ताकि दूसरे इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा देख सके। तो वो भी एक हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम पूरा देखें, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आप पूरा नहीं देखो तो आगे शेयर कर दो वीडियो, तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिले। तो वो आपको मैं कहना चाहता था आज के वीडियो में। बहुत हम अभी थोड़ा टेंशन में है कि भाई वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, अभी 2 महीने ही बाकी है। अब 2 महीने के अंदर अंदर अगर वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो वापस हमें वॉच टाइम 4000 कलाक, 4000 घंटे, 4000 घंटे फुल करने पड़ेंगे वापस। तो वो एक थोड़ी बहुत हाई लेवल हो जाएगा, हमें डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट तो कुछ नहीं, अभी जैसे कि अभी व्यूज़ आएगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, 100+, जैसा कि अभी एक यूट्यूबर का मैंने कुछ वीडियो देखा था कि भाई अपने सब्सक्राइबर से 10% आपके सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर देखने चाहिए, 10% अगर जितने आपके सब्सक्राइबर हैं उसका 10% आपको मिलना चाहिए, तो अभी तो आप सक्सेसफुल यूट्यूबर कहला सकते। तो वो मैंने एक यूट्यूबर का देखा था, तो मेरे 10% आ ही रहे, 10% नहीं ज़्यादा ही हो रहे, 20-30% ज़्यादा 300-400 के क्रॉस हो ही जाते, नॉर्मल व्यूज आ ही जाते हैं। तो वो मेरे हिसाब 30% हो गया होगा, 300 के हिसाब 30% तो हो ही है, तो वो हो रहे हैं, लेकिन वॉच टाइम नहीं हो रहे, व्यूज़ आ रहे लेकिन वॉच टाइम नहीं आ रहे, तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत हो रही है। तो वीडियो थोड़ा सा पूरा देखो यार, थोड़ा सपोर्ट करो, आगे चल के शायद हम यहीं रहते हैं। और ये सभी जो ऐसे रहते हैं वो सब मैं फ्री ऑफ चार्ज करता हूँ, तो ज़्यादातर एक शॉप में से दर्शन मोबाइल, वहाँ से सब ये एसेसरी जाती है, मोबाइल जितना भी होता है वहाँ से वो उनका मैं ऐड करता हूँ, तो उनके फ़ोन मोबाइल और उनके शॉप का ऐड हो जाता है, तो वो भी एक बेनिफिट ही है उनके लिए भी और मेरे लिए भी है, कि तो वो सभी के लिए बेनिफिट ही है। तो वो एक बात रही कि भाई उनके लिए बनाता हूँ वो मेरे, तो उससे क्या है कि भाई मुझे अभी देखो आपको नया देखने को मिल जाए कि भाई नई चीज़ क्या है, क्या है, कितनी प्राइस में पड़ेगी, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस भी कर सकते तो वो भी एक बेनिफिट ही रहता है, तो वो एक बेस्ट रहता क्वालिटी, कि भाई क्वालिटी बेस्ट देखो और
कम प्राइस में ऑनलाइन भी ये चीज़ मिलती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसमें वारंटी क्या रहेगी, ऑनलाइन में क्या प्राइस है, अगर आप ऑफलाइन मंगाना चाहते तो उसमें क्या प्राइस रहेगी, तो वो एक अलग लेवल हो जाएगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा ठीक रहता है। तो ज़्यादातर लोग क्या है अभी ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में क्या होता है कि हम ऑनलाइन तो मंगवा लेते हैं, लेकिन उसमें वारंटी, रिपेयर करने के लिए कहाँ जाए, क्या प्रोसेस करें, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें रहता है। इशू क्रिएट कह सकते थे कि वो हो सकता है। और अब हम शॉप से अगर कहीं से भी अगर परचेस करते तो वो एक हमारा एक रहता है कि भाई मुझे पूरा ट्रस्ट रहता है कि वहाँ से मैं लूँगा तो मुझे बेनिफिट रहता है, तो वो एक जाइए तो वो ज़्यादातर ऑफलाइन ही मेरे हिसाब से शॉपिंग करें तो ये बेटर रहेगा। क्योंकि हमारे देखो अभी ऑनलाइन का ठीक है, लेकिन अभी जहाँ तक अभी कोरोना के बाद में जो हालत हो रही है देश की, तो थोड़ी अब उसको सुधारने के लिए ऑफलाइन भी परचेस करें तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो दोस्तों आज मैं तो ये मुद्दा अभी साइड में रखता हूँ और आता हूँ मेन मुद्दे की तरफ, कनेक्ट और योर सेल्फ। जो मेरे पास अभी कनेक्ट एक काफ़ी मस्त एसेसरीज ब्रांड है, अभी जो लाया कनेक्ट बाउंस फोर्स सी है, और बहुत सारी एसेसरीज ऐसी कनेक्ट की आती रहती है, तो वो काफ़ी मज़ेदार सेटिंग है और काफ़ी मज़ेदार बॉक्स सेटिंग है, मस्त बॉक्स सेटिंग, कलर इनका यही रहता है ऑरेंज और वाइट सेटिंग का, और काफ़ी मस्त है। इसकी मैं प्राइस आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइस आप लास्ट में बताओगे। चलो तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरे पास आज ब्लूटूथ नेक बैंड बाउंस सी, और लॉन्ग लास्टिंग आएगा, 20 आवर प्ले टाइम आएगा, साउंड क्वालिटी एकदम मस्त बता रही है, फोन टैबलेट और प्लेयर सभी में यूज़ हो जाएगा। इस साइड कुछ खास नहीं लिखा है, इस साइड भी कुछ है नहीं कनेक्ट, तो यहाँ पे टोटल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं। ब्लूटूथ वर्जन आएगा 5.0, लेटेस्ट वर्जन है। वर्किंग रेंज आएगी अबाउट 10 मीटर जो सभी की आती है, और इसकी भी है अबाउट 10 मीटर। चार्जिंग टाइम आएगा अबाउट 2 से 5 घंटे के अंदर चार्जिंग हो जाएगा दोस्तों। और प्लेइंग टाइम आएगा इसमें 20 आवर, तो ये काफ़ी मस्त है। स्पीकर आएगा 10 mm का जो 32 का है दोस्तों। बैटरी आएगी 250 mAh की बैटरी है, बहुत लॉन्ग लाइफ बैटरी कह सकते हैं इसे। और प्लास्टिक रबर मिनी तो ये भी आएगा, हैवी बास आएगा और कस्टम फिटिंग, 10 mm स्पीकर और कॉल प्ले टाइम 20 आवर, तो ये काफ़ी मस्त और मज़ेदार है दोस्तों। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। और कलर शेडिंग थोड़ा सा कनेक्ट ने चेंज कर दिया फॉर योर सेल्फ, तो अभी बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो मैं इसके साथ क्या क्या है तो वो पहले हम देख लेते हैं। इसके अंदर बॉक्स के अंदर भी कुछ रह गया है, ओके इसके अंदर कुछ है, अभी निकालना पड़ेगा मुझे लगता है। ओके तो ये मेरे हिसाब से वारंटी कार्ड है। ओके तो ये वारंटी कार्ड ही है पूरा, आई थिंक 6 मंथ की ऐसी कुछ वारंटी है, 6 मंथ या 1 ईयर की वारंटी इसमें आती है। तो इसको रखता हूँ साइड में। और बर्ड्स आएंगे, एक्स्ट्रा बर्ड्स है छोटे बड़े, ब्लू शेडिंग, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, ब्राउन ब्लू दिख रहे हैं लेकिन ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन है। और केबल है, छोटी सी केबल आएगी जो आप केबल देख सकते हैं, इस टाइप की केबल रहेगी, और नॉर्मल चार्जिंग केबल है वही, और दूसरे चार्जिंग केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी मज़ेदार शेडिंग। ये थोड़ा सा वेट में मुझे हैवी लगा क्योंकि इसमें एक ये देखने के लिए जाए तो दोस्तों, और क्या है कि वेट हैवी इसलिए 250 mAh की बैटरी है, तो काफ़ी मज़ेदार है। एक इसमें देखो कनेक्ट स्पीकर, यहाँ पे माइक सेट, और यहाँ पे चार्जिंग का दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप का चार्जिंग का है। और यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड का जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो एक काफ़ी मज़ेदार है, ज़्यादातर में देखने को नहीं मिलता मेमोरी कार्ड का, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है मेमोरी कार्ड तो वो, और काफ़ी मज़ा। ये सेटिंग क्यों किया गया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादातर ये सेट मेरे हिसाब से शायद वाटरप्रूफ होता है तो उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ तो होगा ही, वाटरप्रूफ तो आते ही। ले कनेक्ट यहाँ पे जो ब्रांड का नाम लिखा गया है, और मैग्नेटिक है नहीं मेरे हिसाब से, ये मैग्नेटिक नहीं है। और ये बर्ड्स जो इस टाइप के काफ़ी मज़ेदार से चल रहे हैं। शेडिंग जो कलर यहाँ पे किया गया है तो वो काफ़ी अलग है, वाइट शेड में ले लेता हूँ, यहाँ पे दिखेगा आपको थोड़ा सा। तो ये शेडिंग कलर आप ब्लैक नहीं है, पूरा मस्टर्ड टाइप ब्लैक होता है उस टाइप का लग रहा है, तो काफ़ी मज़ेदार सा शेड लग रहा है दोनों में ही। और बर्ड्स आप देख सकते हैं ब्लू शेड, काफ़ी मज़ा, ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और ग्रिप सेट लग रहा है थोड़ा ग्रिप वाला, जैसे कान में वो फिस्टल वाला नहीं रहता है इसमें, यहाँ पे है ना, लेकिन मैं आपको बता देता कि एकदम पूरा यहाँ पे शाइनिंग टाइप का रहता है, तो वो क्या है कि यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करें तो वो कान से निकलने की सभी संभावना ज़्यादा होती है। तो कनेक्ट यहाँ से, और वायर मज़बूत है, मज़बूत सेटिंग का वायर है, और काफ़ी मस्त, और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखने के जाए दोस्तों तो फुल है। मुझे तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा,
आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ब्लू शेडिंग और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों, और मेरे पास है बाउंस फोर्स सी, तो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मैंने डाल दिया, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो और इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। दोस्तों मैं इसकी प्राइस नहीं बोलूंगा क्योंकि प्राइस अराउंड तो इसके बॉक्स के ऊपर लिखी होती है, लेकिन वो मैं प्राइस भी आपको बता देता हूँ। प्राइस इसमें 2000 के ऑफ ही लिखी होती है, 2499, लेकिन ये प्राइस नहीं है दोस्तों। ये प्राइस लिखी हुई लेकिन ये प्राइस मैं आपको नहीं कहूँगा क्योंकि ये प्राइस है नहीं। और इसकी अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं और इसके बारे में इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाएगा दोस्तों।